साहब एक बीबी दिला दीजिए, बहुत सर्दी लगती है, खाना बनाने में भी दिक्कत होती है। थाने पहुंचे आदमी ने दी तहरी, पुलिस भी चक्कर में रह गई, ये है तो है क्या? युवक बोला, बेबी होगी तो ना सर्दी लगेगी ना खाना बनाना पड़ेगा, हम भी खुश रहेंगे। अब तेजी से वायरल हो रहा है ये लेटर, लोग बोले पुलिस के पास बस यही काम और बाकी था। यूपी की पुलिस के पास अब तक सिर्फ मारपीट और चोरी डकैती के मामले सामने आते थे, पर अब ऐसे मामले भी आने लगे हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी के सिवाय और कुछ नजर नहीं आएगा, और आप भी यही कहोगे कि बस भैया पुलिस के पास यही काम और बाकी रह गया था। दरअसल एक युवक ने पुलिस को ऐसा शिकायती पत्र भेजा कि मिनटों में वायरल हो गया, और जो भी सुनता यही कहता, मजाक की भी हद होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक युवा का अजीबोगरीब तहरीर लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस वालों ने तहरीर पढ़ी तो पहले तो हंसी आई, बाद में गंभीर हुए। उसकी पीड़ा को समझते हुए उसके परिजनों को बुलाया गया और समझाया। मामला सामने आया तो अब चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि मामला अम्बापुर थाना क्षेत्र के बनुपुरा गांव का है। गांव निवासी नीरज यादव अचानक थाने पहुंचा, उसने पुलिस को एक तहरीर दी। तहरीर पढ़कर पुलिसकर्मी भी सोच में पड़ गए। उसने प्रार्थना पत्र में विषय में लिखा, पत्नी आवेदन हेतु। आगे लिखा, साहब हमको पत्नी दिला दीजिए, हम रोटी के लिए परेशान है, सर्दी का मौसम भी आ गया है, बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा उसने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए भी प्रार्थना की है। उसने कहा कि उसके घर वाले और रिश्तेदार उसकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, इससे वह परेशान रहता है। पत्नी होगी तो वह हंसी खुशी रह सकेगा। उसका प्रार्थना पत्र पढ़कर पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने युवक के घर वालों को बुलाया, पूछा कि आप लोग इसकी शादी क्यों नहीं करा रहे हैं। इस पर घर वालों ने कहा कि युवक थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है। वहीं इंस्पेक्टर यतीन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक नीरज नाम का युवक शादी कराने की तैयारी लेकर आया था। उसके घर वालों को बुलाया गया और उसे घर भेज दिया गया। वह काफी समय से मानसिक रूप से बीमार भी चल रहा है। खैर अब उसका ये लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।